ज्यादा लोड मत दे होना तो गिर जाए। अरे तुहार नाम तो महाराज कड़ाई करे लाल के मोहसा भाई 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 तो नहीं चाहिए महाराज से बुलवाईला हमें नहीं सामने घूम कहां है पीछा रो चलो हैंडल लो तो विरार में सूट हो रहा है क्या कुछ कहना चाहेंगी और आप पूजा जी के साथ अभिनय कर मतलब मैं एक्चुअली पूजा जी के साथ मैं दोबारा शूट कर पा रही हूँ। एक्चुअली मैं शूट करने तो नहीं आई, इनसे मिलने आई थी। एक्चुअली हमारे सर आए हैं आर के वाई एंटरटेनमेंट के मालिक जो हैं, तो मैं उनके थ्रू इनके साथ आई थी। पता चला कि ये यहाँ पे शूट कर रही है, तो मैं इनका शूट देखने आई थी और इनसे मिलने आई थी। तो आपकी दोस्ती का बात करें तो कैसी है आप दोनों लोगों की? दोस्ती तो हमारी अभी बहुत जल्दी हुई है, काफी टाइम नहीं हुआ, दस दिन हो गए। हाँ, 10 दिन हो गया। हाँ। और अच्छे फ्रेंड है जी। पूजा जी आप क्या कहना चाहोगे? नेहा जी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, मैंने इनका सॉन्ग देखा है कलवा जी के साथ, इन्होंने बहुत अच्छा डांस किया है और ये बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। थैंक यू। नेहा जी बात करें आपकी, कौन कौन सी फिल्में, क्या फिल्में भी आप कर रही हैं? जी हमारी अभी दो फिल्में आने वाली है, राकेश मिश्रा जी के साथ राधे रंगीला जो मैं अभी करके आई हूँ, और एक कल्लू जी की फिल्म है सरकालियो खटिया जारा लगे जो अभी जल्द रिलीज होने वाली है मार्च में, तो दोनों कंटिन्यू। राधे रंगीला की बात करें तो उसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की बात करें क्या कहना चाहेंगे? राधे रंगीला के प्रोड्यूसर अरुण दुबे जी हैं जो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और हमारे बहुत अच्छे गुरु हैं जिन्होंने मुझे गाइड किया, और डायरेक्टर्स तो बहुत ही अच्छे हैं हमारे। और बात करें सरकालियो खटिया जाड़ा लगे, ये हिंदी फिल्म का टाइटल, गाने का टाइटल है जी। और क्या उस तरह से कुछ उस फिल्म से कॉपी की हुई फिल्म? जी नहीं, सरकालियो खटिया जाड़ा लगे जो है वो एकदम हिंदी फिल्म से बहुत हटकर है और दर्शकों को ये फिल्म बहुत पसंद आएगी क्योंकि कल्लू जी का एक अलग ही रूप है इसमें और बहुत कॉमेडी है और बहुत अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट किया है अपने आप को। तो आप उसमें क्या किरदार निभा रही हैं, हीरोइन का या कैरेक्टर कोई है? शुभम तिवारी जी भी हैं उसमें, कल्लू जी भी हैं। तो मैं एक्चुअली शुभम तिवारी जी के साथ मैंने काम किया है, मैं उनके साथ सेकंड लीड कर रही हूँ, उनके साथ एक सॉन्ग है मेरा, तो मैं चाहूँगी कि दर्शकों को ये सॉन्ग पसंद आए और ढेर सारा प्यार दे वो मुझे। शुभम तिवारी जी के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्चुअली वो बहुत अच्छे हैं आर्टिस्ट हैं और उन्होंने मुझे जिस तरीके से प्रेजेंट किया उन्होंने बहुत अच्छी सीख मुझे दी और बहुत अच्छे से मेरे साथ उन्होंने काम किया, जो छोटी मोटी मेरे से गलतियाँ हुई उन्होंने मुझे बताया भी कि मैम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो बहुत अच्छे हैं, दिल के भी बहुत अच्छे हैं वो। आने वाले और प्रोजेक्ट के बारे में बात करें? अभी आने वाली फिल्म हमारी लाइन पे है जो हम अभी 15 तारीख से शूट करने जा रहे हैं, हीर रांझा की, जो हमारे सर हैं महेश आचार्य जी जो मैं उनके अपोजिट काम कर रही हूँ, तो अभी तो गई नहीं है, जाके देखेंगे कैसा है प्रोजेक्ट। पूजा जी आपकी बात, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबको पहले नमस्ते कहती हूँ और मैं तो कैरेक्टर आर्टिस्ट ही काम करती हूँ, बट काम बहुत सुलझा मतलब करना चाहती हूँ, और मैंने बहुत सारी पिक्चरों में भी काम किया है, चीरन, रुद्रा, नसीब, सॉरी बॉयज़, और हिंदी पिक्चर है सॉरी बॉयज़ करके वो भी किया है,
और मतलब बात करें आप जो सॉन्ग फिल्माया जा रहा है आपके ऊपर कौन सा सॉन्ग है और कैसा लगा आशीष राजा के साथ काम करके? आशीष राजा जी के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, वो बहुत अच्छे सिंगर भी हैं और आर्टिस्ट भी तो बहुत अच्छे हैं। क्या सिंगिंग में अभी भोजपुरी में तो हर कोई हीरो सिंगर ही आ रहा है, तो क्या हीरोइन भी सिंगर में आएंगे? आप दोनों लोग शेयर करना चाहेंगे? अभी मैंने हाल में एक गाना गाया है, सिर्फ मतलब मैंने सिर्फ सपोर्ट किया अपने फ्रेंड को, तो मैं भी सिंगिंग में उतर मतलब कदम रख दी हूँ अब बहुत जल्दी। नहीं अभी वो सॉन्ग रिलीज नहीं हुआ है इसके लिए सॉरी, बट जब रिलीज होगा तो मैं आप लोगों को जरूर सुनाऊंगी। आवाज़ इस समय आवाज़ भी बैठी हुई है मेरी। मैं एक्चुअली सॉन्ग के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ और मैं सॉन्ग से सिंगिंग से तो मैं काफ़ी दूर हूँ। अच्छा अगर दो लाइन की डायलॉग बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? कैंगली फसा रहे हो अच्छा क्या तुम बता रहे हो मेरे के सामने? एक्चुअली अभी तो कुछ ऐसा मत बुलवाइए क्योंकि शूटिंग पे आए हुए हैं। गौर से देखिए वो दो लड़कियां बिल्कुल नहीं कटर नहीं रही, लेकिन अभी हम कुछ बोलना नहीं चाहते क्योंकि मौसम वैसा नहीं है बोलने वाला ना, हम क्योंकि अभी बोलूंगी तो बीच में खांसी आ जाएगा क्योंकि सिचुएशन तबीयत खराब है। तो आप लोगों ने होली का कितना एंजॉय कर रहे हैं सेट पे और घर पे क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं कि होली के? होली तो हम लोग कुछ नहीं तैयारी कर रहे क्योंकि होली के समय हम लोग हमेशा काम पे ही रहते हैं, तो होली हम लोग के हर साल खराब ही जाती है, क्या बोले। इस बार क्या कुछ प्लानिंग है? कुछ अभी कुछ प्लानिंग नहीं है क्योंकि होली के समय हम लोग शूट पे रहेंगे, शूट पे रहने वाले, तो जो भी होली मनाना होगा वो हम लोग सेट पे ही होली मना पाएंगे। सेट पे अच्छा है, होली मनाने में कितना आनंद आता है? होली सेट पे मनाने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सभी साथ में होते हैं हमारे और पूरी टीम हमारे साथ में होती है, तो उस वक्त होली मनाने में बहुत अच्छा लगता है। मतलब बहुत अच्छा लगेगा अगर पूरी सारी टीम मिलके होली मनाए तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा आप भी हैं साथ में, तो आप भी तो हैं सामने। नहीं बस यही कहना चाहूंगी कि दर्शकों को हमारी ये जो फिल्म आ रही है सरकारी लोग खटिया जाने लगे, बस वो हमें ढेर सारा प्यार दे और हमें मेरी एक फिल्म आ रही है कर्मयुग करके, प्लीज उसे आप लोग देखिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। हम चाहते हैं कि जैसे आप सारे स्टार को प्यार देते हैं, वैसे हमें भी थोड़ा सा प्यार दे दीजिए, हमें भी आप सबके प्यार की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।